सैयद यावर बुखारी साहब, कर्नल अमर साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जी जी मैं जमशेद साहब जा रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोगों को एक तो इंतज़ार करना पड़ा, माजरत खा हूँ रास्ते में थोड़ा लेट हुआ, ये पाकिस्तान में होना तो ऑनेस्टली ये चाहिए था कि जब इसका पहला केस सिंध में हुआ तो हमें चाहिए था कि इकदाम उस वक्त कर लें, क्योंकि हम चार माह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इस पर कोई काम भी नहीं हुआ। जूँ ही अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोबारा हम आए हैं, मौजूदा मेडिसिन या वैक्सीन थी वो हमने स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि इस ये जस्ट लाइक एक कोरोना है। आपको याद होगा जब एक कोरोना आया जैसे लड़े, और ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जाता है कि पूरी दुनिया में, मीडिया वालों को पता है पूरे पास, पूरी दुनिया में हमने बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया, और इसी तरीके से इंशाल्लाह इस लंपी से दिन से भी हम लड़ने को तैयार हैं, और इंशाल्लाह आप देखिए इसी बेसिस पे हमने 60 लाख डोजेस, कल भी आपकी मीटिंग थी, 2-4 रोज में उसकी ओपन टेंडरिंग होने जा रही है, तो जो भी वैक्सीन आएगी इंशाल्लाह फिगर्स मौजूद है हर डिस्ट्रिक्ट के, तो वैक्सीन पहुंचना शुरू हो जाएगी। इस लंपी में गरीब काश्तकार, उनका जो नुकसान हुआ है उसके अजाले की भी हम भरपूर कोशिश करेंगे, जो हमारा स्मॉल फार्मर है, और एक साथ पॉलिसी भी नहीं थी। ये एक महीने के, क्योंकि हमारे पिछले ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने काफ़ी काम किया इस पर, दृशक साहब थे मेरे से पहले, तो पॉलिसी मैंने देखी है काफ़ी डिस्कशन के बाद, हम पॉलिसी भी इंशाल्लाह कैबिनेट में लेकर जा रहे हैं, जो भी हुकूमत आए वो उस पॉलिसी पे अमल पैरा दो। तो यही बातें, अदरवाइज बीमारी है तो और भी बहुत हैं, करंट इशू यही था। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन करना चाहिए? सर एक क्वेश्चन आया तो आपका, जो यही क्वेश्चन मुझ पर हर जगह होते रहे हैं, एक तो जैसे मैंने बताया ना, यही कोई किसी की साजिश नहीं थी, ये डिज़ीज़ यूरोप में भी आ चुकी है, अमेरिका में भी आ चुकी है, ये अभी तक इंडिया में बर्मा श्रीलंका जाते रहते हैं, इनको पता होगा कि इन्होंने तमाम जानवर को एकदम इकट्ठा कर करके मार दिया था और गाड़ दिया था, यानी कि जड़ से ख़त्म कर दिया था जानवरों को। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हमें कहा गया मुख्तलिफ सूबों से, इमरान खान साहब को कहा गया कि लॉकडाउन करें, तो हमने अपनी इकानमी को भी देखना था, हमने लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता किया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारी इकानमी भी कोलैप्स नहीं हुई और कंट्रोल भी करना हो गया। इसी तरीके से कहेंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो गैप आया है 3-4 माह का हमारे से गवर्नमेंट ले ली गई, PMLN की गवर्नमेंट आ गई, तो वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे, ये डिजीज़ भी फैलती रही, और उन्होंने, मैं ऑनर कर चुका हूँ इनको, एक मीटिंग में भी इनकी मीटिंग नहीं की गई। लंपी पहले सिंध से साउथ में आई, साउथ से सेंटर में आई, सेंटर से फिर नॉर्थ में आई, आपके पास इवन सिंगल एक मीटिंग भी नहीं की गई, और इंशाल्लाह आप उसमें बेहतरी देखेंगे। रही बात, ये क्वेश्चन हर जगह आ रहा है कि मैंने जैसे कहा कि 1929 में ये बीमारी आई, और आज तक पूरी दुनिया में ये कहीं भी जानवर से
गोश्त के जरिए या दूध के जरिए ट्रांसफर हुआ हो इंसानों में, ये एक भी केस पूरी दुनिया में नहीं आया। अगर ये वैसे सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी है, जो इस लंपी डिजीज से इसमें गुजारे ये है कि आते ही सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट हो, हम आप तमाम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमने ये कैटेगरी बनाई। एक तो अद्वियात की कमी थी उन 3-4 माह में, हमने इमरजेंसी बेसिस पे मेडिसिन खरीदी और हमने फ्लोट कर दिया पूरे पंजाब में हर जगह। और इधर भी आप मुझे बताएं कि दवाइयों की हमारे CVD हो, CVH हो, वहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने वजारत संभालने के फौरन बाद ये कैटेगरी मुकर्रर की है कि